समस्तीपुर पुलिस को भी हम लोगों ने खबर दी है, उनसे भी ये कहा है कि इस प्रकार के गैंग पे वो भी मॉनिटरिंग रखे हैं। 2022 में हीरा ज्वेलर के यहाँ जो डकैती हुई थी समस्तीपुर में, उसमें यही गैंग था और इसमें ये कृष्णा भी शामिल था, लेकिन वहाँ पुलिस इसकी पहचान पूरी कर नहीं पाई। हालांकि और ये लोग समस्तीपुर में एक बहुत एक्टिव गैंग है इस समय, जो सोना चांदी की दुकानों में डकैती करता है, उसका नाम है रविंदर सैनी। इस गैंग में कई सारे अपराधी हैं, ये पूरा गैंग रविंदर सैनी का ही गैंग। तो दिन पहले टाउन थाना अंतर्गत रतन मंदिर नाम के जो ज्वेलरी की दुकान है, वहाँ जो लूट की घटना हुई थी, 14 दिन के अंदर पुलिस ने उसका सक्सेसफुली डिटेक्शन कर लिया है। घटना में शामिल 6 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 2 लोडेड कट्टा, 2 लोडेड पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और लूटा गया जो सामान था उसको बेचने के बाद 1,03,000 रुपया और 1 किलो गांजा पुलिस ने इन सभी के पास से बरामद किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो घटना हुई थी उसको बहुत ही सीरियसली लेते हुए अगले ही दिन 6 विशेष टीमों का हम लोग ने गठन किया था, जो कि डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में, एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, एसडीपीओ टेंगड़ा, डीएसपी प्रोबेशनर चांदनी और एसडीपीओ बकरी के नेतृत्व में थी। और इन टीम्स ने पूरा सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया था और जो दुकान है वहाँ की सारी चीज़ें देखी थी, इम्पोर्टेंट एविडेंस कलेक्ट किए थे। तो उसके बाद जो हम लोग को सबूत मिले थे, उससे ये पता चला था कि गैंग के कुछ सदस्य राज्य के बाहर भाग गए हैं। हमारी टीम भी बाहर गई थी और लगातार इन लोगों को खदेड़ा गया। और कल जब इन लोगों को ऐसा लगा कि अब पुलिस की जो दबिश है वो कम हो गई है, पुलिस भूल गई है इस मामले को, तो ये लोग वापस लौटे हैं अपने घरों की ओर यहाँ पे। और जो फुटेज में 5 अपराधी अंदर दिख रहे थे दुकान के, उसमें से 3 की पहचान पुलिस ने कर ली थी और तीनों को कल टाउन थाना के विशनपुर इलाके से कल अरेस्ट किया गया। इनके पास से 3 हथियार, 6 जिंदा कारतूस और 1 किलो गांजा मिला है पुलिस को। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया 3 और अपराधी हैं जो कि घटना के षड्यंत्र में शामिल थे। फिर पुलिस ने उनकी छापेमारी की समस्तीपुर में और वहाँ के इलाकों में, तो वहाँ से 3 की गिरफ्तारी हुई है। देखिए मैं आपको बताऊँ कि इसमें जो फुटेज में 5 अपराधी दिख रहे थे, जिसकी हमने पोस्टर भी जारी किए थे, इनाम भी उनके सर पे रखा था, उसमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है। उसमें एक का नाम है कृष्णा उर्फ विवेक, ये रहने वाला मुजफ्फरपुर का है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम मुंबई में रहता है और जब समस्तीपुर का ये गैंग इनको बुलाता है घटना करने के लिए, तो ये फ्लाइट पकड़ के आता है और घटना करके चला जाता था। आज तक किसी भी जिले में इसकी पहचान नहीं हुई थी, जबकि इसने मुजफ्फरपुर में भी इस टाइप की घटनाएं की हैं, समस्तीपुर में भी की हैं और भी जगह की हैं। तो हम लोग ने जब इसकी पहचान की तो ये पता चला कि 2022 में हीरा ज्वेलर के यहाँ जो डकैती हुई थी समस्तीपुर में, उसमें यही गैंग था और इसमें यह कृष्णा भी शामिल था, लेकिन वहाँ पुलिस इसकी पहचान पूरी कर नहीं पाई। हालांकि अभी हम लोग ने गिरफ्तारी के बाद अब हम लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे। एक लड़का जो काली जैकेट पहन के दिख रहा था और काले रंग की टोपी लगाए हुए था, इसका नाम है लाल बाबू चौधरी, ये TIOP का रहने वाला है। ये भी 1 साल पहले जेल गया था इसी प्रकार के कांड में, ये भी बेल पे था। इसकी जो काली रंग की जैकेट है वो पुलिस ने इसके घर से उसी दिन बरामद कर ली थी। तीसरा जो व्यक्ति जो लाल रंग की जैकेट पहन के दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में, उसका नाम है छोटू सा, ये समस्तीपुर के रहने वाला है, इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों ही व्यक्तियों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और ये लोग समस्तीपुर में एक बहुत एक्टिव गैंग है इस समय, जो सोना चांदी की दुकानों में डकैती करता है, उसका नाम है रविंदर सैनी। इस गैंग में कई सारे अपराधी हैं, ये पूरा गैंग रविंदर सैनी का ही गैंग था। जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि एक कन्हैया है समस्तीपुर का, उसके घर पे घटना करने के बाद ये लोग रहे हैं और वहीं पे जो सोने को तोलने का काम इन लोगों ने किया, तो पुलिस ने कन्हैया को भी अरेस्ट कर लिया है। एक रणधीर शाह है, जो 3 मोटरसाइकिलें इस्तेमाल हुई हैं, उसमें से एक मोटरसाइकिल रणधीर शाह की थी, पुलिस ने इसको भी अरेस्ट कर लिया है। और एक संतोष शाह को अरेस्ट किया है, ये पेशे से सुनार है, समस्तीपुर में सोना चांदी की दुकान चलाता है और ये जितना भी ये लोग लूटपाट इस प्रकार की करते हैं तो संतोष के यहाँ ही उसको खपाते हैं, तो संतोष की भी पुलिस ने अरेस्टिंग की है। घटना के दिन जो 5 लोग यहाँ आए थे 3 मोटरसाइकिल से, वो 5ों की पहचान कर ली है। उसमें से जो 2 अभी अरेस्ट करने बाकी हैं उनकी भी पहचान पुलिस ने कर ली है और उन पे हमारी विशेष टीम लगी हुई है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि पूरी घटना की जो मास्टरमाइंड ऑफ प्लानिंग है वो रविंदर सैनी है। रविंदर सैनी पिछले कई महीनों से इस टाइप की घटना की प्लानिंग कर रहा था और रविंदर सैनी को यहाँ लेके आया था संतोष सा अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के, वो भी पुलिस ने पता कर लिया है। और पूछताछ में ये पता चला है कि जो सामान इन लोगों ने लूटा था वो अल्टीमेटली रविंदर सैनी के हाथ में गया रात में, और रविंदर सैनी ने 1,50,000 रुपये इन अपराधियों को दिए और इनसे कहा कि अभी तुम राज्य के बाहर चले जाओ, जब मामला ठंडा हो जाएगा तब यहाँ आना, तब तक मैं ये सामान बेच चुका हूँगा और उससे जो पैसा आएगा मैं सबको हिस्सा दे दूंगा। उसी 1,50,000 रुपये में से 1,03,000 भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब हमारी विशेष टीम रविंदर सैनी के पीछे लगी हुई है और बहुत जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और आज इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।
ये लुटेरा गिरोह जो है सर, ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह, अंतर्राज्य अंतर्राज्यीय गिरोह गिरोह या या अंतर्राज्य। अंतर्राज्यीय। देखिए पूछताछ में हम लोग को पता चला है, और रविंदर सैनी की जो क्रिमिनल हिस्ट्री है ये समस्तीपुर में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में और बेगूसराय में ये लोग इस टाइप की घटनाएं करते रहे हैं, और बिहार के कई जिलों में इन्होंने ये घटना की है। तो हम लोग ई डोजियर बना करके, पूरा डेटाबेस बना के इस पूरे गैंग का, हम लोग बिहार की जो एसटीएफ है जो ऐसे गैंग्स की मॉनिटरिंग करती है उनको भी भेजने जा रहे हैं, ताकि इन पे लंबे समय तक मॉनिटरिंग रखी जा ये सके। सोशल मीडिया के अनुसार भी कुछ फोटो कलेक्ट करके करता है क्या? देखिए सोशल मीडिया अकाउंट इन लोगों का हम लोगों ने चेक किया है तो ज़्यादातर का एक्टिव है नहीं, क्योंकि ये लोग इस प्रकार के अपराधी हैं, ये अपनी पहचान को छिपा के ही रखते हैं। लेकिन जो भी है, पुलिस ने इनकी पूरी पहचान कर ली है, और समस्तीपुर पुलिस को भी हम लोगों ने खबर दी है, उनसे भी ये कहा है कि इस प्रकार के गैंग पे वो भी मॉनिटरिंग रखते हैं। तो जितनी ज्वेलरी लूटी गई थी जो आप बता रहे हैं कि संतोष उसको ठिकाने लगाता था, तो वो आगे क्या करता था, इसकी क्या जानकारी है? देखिए संतोष सुनार है, पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो लास्ट ईयर जो समस्तीपुर में कांड हुआ था, या इनकी जितनी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है इस प्रकार की, तो ये लोग संतोष के यहाँ जाके उसको गलाते थे, और संतोष उसको बेच करके पैसा लाके इन लोगों को देता था। तो संतोष की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है, संतोष भी अभी कुछ ही महीने पहले सीतामढ़ी जेल से छूटा था। क्यों, यही था ना संतोष का, पुपरी से, पुपरी से संतोष सोना चांदी के दुकान में इन लोगों ने डकैती की थी, वहां से छूटे थे। तो मैंने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें इनकी संपूर्ण क्रिमिनल हिस्ट्री लिख दी है उसमें। ठीक है।